हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने कुछ ही दिनों पहले वास में रखने के लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग और प्रीटी फिलर्स बनाए हैं। इस तरह के फिलर्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और सबसे बड़ी बात, इस तरह के फिलर्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और इनमें बजट भी बहुत ही कम लगता है। आई होप कि आपको वास फिलर्स का ये DIY पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए और इसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग DIY को। सबसे पहले मैंने बनाए हैं ये ब्यूटीफुल से लेवेंडर फ्लावर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये पर्पल कलर की फेल्ट शीट। ये फेल्ट शीट आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप में 15 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की ये शीट ली है और इसकी मैंने ये स्ट्रिप्स निकाल ली हैं इस तरीके की पतली सी। यहाँ पर आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। अब हमें इसकी साइड्स को कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे कि फ्रिंजेस रहती हैं उसी तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें शीट के ऊपर इन फ्रिंजेस को कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पूरी स्ट्रिप पर ये फ्रिंजेस को कट कर लिया है। और अब हम इन फ्रिंजेस का लेवेंडर फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ली है ये मेटल वायर। अगर आपके पास मेटल वायर नहीं है तो आप कोई बेम्बू स्टिक्स भी ले सकती हैं। यहाँ पर इस वायर के ऊपर मैंने थोड़ी सी हॉट ग्लू लगा ली है और अब इसके ऊपर हम इस फेल्ट शीट के फ्रिंजेस को रैप करते जाएंगे। हमें इस वायर के ऊपर इसे तिरछा तिरछा रैप करते जाना है और नीचे तक जितनी लंबाई आप इस फ्लावर की रखना चाहते हैं उतना इस वायर के ऊपर आप इसे रैप करते जाइए और नीचे से इसे अच्छी तरीके से ग्लू गन से स्टिक कर लीजिए। और इस फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसके नीचे ये दो आर्टिफिशियल लीव्स लगा दी हैं और रेडी है हमारा ये ब्यूटीफुल सा लेवेंडर फ्लावर। इसी तरह से मैंने इसकी 8-10 स्टिक्स और बना ली हैं और इसका एक ब्यूटीफुल सा बंच बना लिया है। आई होप कि लेवेंडर फ्लावर का ये आइडिया आपको पसंद आएगा। ये फ्लावर्स लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं, काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होंगे और सबसे बेस्ट बात यह है कि आप इसे less than 20 rupees में इजीली घर पे बना सकती हैं। आई होप कि लेवेंडर फ्लावर्स का ये वास फिलर्स का आइडिया आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट मैंने रेड फ्लावर्स को लेकर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फिलर बनाया है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल भी लगता है। इसे बनाने के लिए मैंने ये फोम शीट ली है, जो कि 10 रुपीज़ में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने एक फोम शीट के ऊपर इस तरीके से ये फ्लावर्स को ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फ्लावर्स के शेप्स को अलग अलग तरीके से भी कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर इन फ्लावर्स को अब हम हॉट आयरन के ऊपर स्टिक करेंगे, जिससे कि श्रिंक होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हॉट आयरन के ऊपर हमें इस तरीके से इन फ्लावर कटिंग को रखना है और किसी भी स्टिक की हेल्प से हमें इसे निकाल लेना है। इसे बनाते टाइम अपने हाथों का ध्यान रखिए, किसी भी स्टिक की हेल्प से ही इसे निकालिए। तो देखिए, श्रिंक होकर एक ब्यूटीफुल से फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरीके से हमें बाकी सारे फ्लावर्स को हॉट आयरन से श्रिंक कर लेना है। अब इसके अंदर बनाने के लिए मैंने कुछ स्टेम्स लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पतली सी स्ट्रिप्स निकाल ली है फोम शीट की ही और इसे कुछ इस तरीके से फ्रिंजेस में कट कर लेना है। फ्रिंजेस में कट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर परमानेंट मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इन फ्लावर्स में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आएगा। अब हम इन फ्लावर्स को बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्लावर के ऊपर दूसरे फ्लावर को रख दिया है हॉट ग्लू लगाकर और इसके ऊपर हम ये ब्लैक जो कि हमने स्टामेंस बनाई थी उसे इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए, रेडी हमारा ये ब्यूटीफुल सा नेचुरल फ्लावर, जिसे आप घर पे इजीली less than 20 rupees में बना सकती हैं। एक शीट 10 रुपीज़ की आती है और आप दो शीट में बहुत सारे फ्लावर्स बना सकते हैं। आई होप कि ये इजी आइडिया आपको अच्छा लगेगा।
और देखिए रेडी हमारे ये सारे फ्लावर्स। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कलर की फोम शीट लेकर इन फ्लावर्स को कलरफुल भी बना सकती हैं। यहाँ पर इन फ्लावर्स को लगाने के लिए मैं ले रही हूँ एक ड्राई ब्रांच। इन ड्राई ब्रांच से इस वास फिलर का लुक बहुत ही ज्यादा नेचुरल भी आएगा। इस तरीके की ड्राई ब्रांच आपको आपके आसपास किसी भी पार्क में बहुत ही इजीली मिल भी जाएगी। और इस तरीके की ड्राई ब्रांच का वास फिलर अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है। तो यहाँ पर मैंने ये ड्राई ब्रांच ली है और इसके ऊपर मैं रेंडमली इन फ्लावर्स को स्टिक कर दूंगी। आप चाहें तो इस ड्राई ब्रांच के ऊपर कोई कलर भी कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये बहुत ही प्रीटी से ब्राइट ऑरेंज फ्लावर, जिसे बनाने के लिए मैंने फोम शीट को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। और अगेन मैंने इसे हॉट आयरन के ऊपर रखकर इसकी पेटल्स को कुछ इस तरीके से श्रिंक कर लिया है। जब ये थोड़ा हॉट रहेगा उसी टाइम पर मैंने इसके पेटल्स को कुछ इस तरीके से हाथों से स्ट्रेच कर लिया है, जिससे कि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल आएगा और ये फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसके तीन तीन फ्लावर्स कट कर लिए हैं और इनकी लीव्स को कुछ इस तरीके से पहले हॉट आयरन के ऊपर रखा है और बाद में हाथों से कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया है। तो देखिए हमारे तीनों फ्लावर्स कुछ इस तरीके से रेडी हैं। और अब हम इसका एक फ्लावर बना लेंगे, जिसके लिए इन तीनों फ्लावर्स को हमें एक के ऊपर एक रखना है और बीच में मैं ये रेडीमेड स्टामेन लगा रही हूँ। और नीचे आप चाहें तो किसी स्टिक का यूज कर सकते हैं या फिर किसी मेटल वायर को इसके नीचे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से फेल्ट शीट या फिर फोम शीट से फ्लावर्स बनाना काफी ज्यादा इजी होता है। इजी होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार ये फ्लावर्स घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अब फेल्ट शीट और फोम शीट से हटकर हम बनाएंगे स्टाइलिश और एंटिक वास फिलर, जिसे बनाने के लिए मैंने अपने ओल्ड झाड़ू में से ये स्टिक्स निकाल ली हैं। फ्रेंड्स इस तरीके का वास फिलर बनाना काफी ज्यादा इजी भी है और बजट फ्रेंडली भी। इस वास फिलर को बनाने में हम अपने पास रखी हुई वेस्ट चीजों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने पास रखे हुए किसी ओल्ड झाड़ू में से इस तरीके की स्टिक्स को निकाल लीजिए। झाड़ू की इन स्टिक्स को हम थोड़ा कर्वी लुक देंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कैंडल ली है और एक ये वुडन स्टिक ली है। इस वुडन स्टिक के ऊपर हमें इन झाड़ू की स्टिक्स को थोड़ा फोल्ड करते हुए इस कैंडल के ऊपर रखना है, जिससे कि इन स्टिक्स का एक कर्वी लुक आएगा जो कि दिखने में काफी ज्यादा नेचुरल लगेगा। जब हम हीट के ऊपर इस तरीके की स्टिक्स को फोल्ड करते हैं तो इनका एक कर्वी लुक निकल कर आता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। अब इन स्टिक्स के ऊपर वाले पोर्शन पर मैं थोड़ा एक्रेलिक पेंट कर दूंगी, जिससे कि इसका एक एंटिक लुक निकल कर आएगा। एक ये एक्रेलिक पेंट करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। इस वास फिलर को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये दो प्लास्टिक बॉल्स ली हैं और इनके अंदर मैंने एक एक होल कर दिया है। इस होल के अंदर मैं डाल रही हूँ ये मेटल वायर को। अगर आपके पास मेटल वायर नहीं है तो आप यहाँ पर बेम्बू स्टिक्स का भी यूज कर सकती हैं। इसे मेटल वायर को डालने के बाद मैंने हॉट ग्लू गन से इसे सिक्योर कर लिया है। और अब एक बॉल के ऊपर मैं लगा रही हूँ इस तरीके की। मेरे पास रोप रखी हुई थी, आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर दे सकती हैं इन बॉल्स को। यहाँ पर मैंने एक पर ये रोप लगा दी है और दूसरे के ऊपर मैं हॉट ग्लू गन से टेक्सचर बना दूंगी। फ्रेंड्स इस तरीके से आप इन बॉल्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजों को स्टिक करके इनके टेक्सचर को अलग अलग बना सकती हैं। यहाँ पर इन दोनों बॉल्स को बनाने के बाद मैंने इनके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक पेंट कर दिया था और इसके ऊपर स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने मेटेलिक कलर दे दिया है, जिससे कि इनका लुक बहुत ही ज्यादा
एंटीक लगेगा और ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश भी लगेंगे। तो देखिए ये है स्मार्ट फिलर का फाइनल लुक। फ्रेंड्स आई होप कि वाज फिलर के ये इजी स्टाइलिश एंड अफोर्डेबल डीआईवाई का आइडिया आपको पसंद आया होगा। आपको ये आइडियाज पसंद आए हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर योर टाइम।